नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं 3 बजे का कोरोना बुलेटिन। इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना के इलाज में लगी मेडिकल टीम से बदसलूकी का डॉक्टरों और नर्सों ने विरोध किया है। LNJP अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने एक वीडियो बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना मरीजों के रिश्तेदार मेडिकल टीम से बदसलूकी करते हैं, जिससे इलाज में रुकावट पैदा होती है और मरीजों को परेशानी होती है। हमारे साथ इस खबर पर प्रियंका कांडपाल सहयोगी जुड़ रही है। प्रियंका, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर सरकार भी कल सख्त हुई थी और अध्यादेश लाने की तैयारी हो चुकी है, यानी कि अध्यादेश लाया जा चुका है। मैं आपके पास आऊं, उससे पहले कुछ सुनवा देते हैं। एक बार हमारे नजरिए से भी देखिए कि हम कैसे माहौल में काम कर रहे हैं। हमारे पीछे भी फैमिलीज हैं, परिवार है, उनको छोड़कर के हम सुबह से शाम या शाम से सुबह तक यहाँ पर खड़े होते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए। और अगर वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो फिर काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा नजरिया भी समझिए और इसमें हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। स्टे एट होम, बी सेफ। प्रियंका, एक डॉक्टर होने के नाते जो जिम्मेदारी होती है वो डॉक्टर्स निभा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की बदसलूकी बार बार होगी तो उनके पास भी विरोध ही एक तरीका है, भले ही अध्यादेश आ गया हो। जी बिल्कुल, और यही एग्जाम्पल हमने आज देखा जो LNJ का भी आप सुनवा रही थी कि तमाम डॉक्टर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसपे वो बता रहे हैं कि 24-24 घंटे काम करते हैं। ऐसे में खासतौर पर जो कोरोना पेशेंट्स के साथ रिलेटिव्स आए रहते हैं वो बदतमीजी करते हैं। कल का मामला ताज़ा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि RML अस्पताल से एक कैट एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर RML अस्पताल से LNJP तक पहुँची थी। वहाँ मरीज को उतारने की कोशिश की तो वहाँ बताया गया कि उस मरीज को वहाँ पर नहीं लाया जाएगा। कैट्स के कर्मचारी का आरोप है कि उसके साथ जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसने बदतमीजी की, मारपीट की, उसका वीडियो भी सामने आया है। उसके बाद डॉक्टर्स ने ये वीडियो रिलीज किया है जहां पर उनका कहना है कि बदतमीजी डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर स्टाफ के साथ और हॉस्पिटल के गार्ड्स के साथ हो रही है। और ऐसे में ये एक सिर्फ एक प्रकरण है, इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले, खासतौर पर LNJ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना पेशेंट्स हैं जमातियों को लेकर यहाँ पर बात हुई कि एक नर्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी यहाँ पर हो रही है। तो इस पूरी घटनाओं को देखकर अब डॉक्टर और नर्सेस तमाम इन लोगों ने एक वीडियो जारी करके अपनी परेशानी को सामने रखा है। हालांकि ये बिल्कुल उसी समय पर ये वीडियो जारी हो रहा है जब अध्यादेश लागू हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि पेशेंट्स को समझना होगा कि डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं और हर एक डॉक्टर हर एक सेकंड के लिए पेशेंट के साथ अवेलेबल नहीं हो सकता। ये बात पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको भी समझनी होगी। और इसी पर आज सत्येंद्र जैन से जब सवाल मैंने पूछा था तो उनका ये कहना था कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो पैनिक में आ जा रहे हैं कोविड पॉजिटिव होते ही। ऐसे में सबको लग रहा है कि हॉस्पिटल जाना है और इसी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ये एक चीज समझने की है कि 3 लेवल में कोविड पॉजिटिव है, माइल्ड है, मॉडरेट है, हाई है। अगर आप माइल्ड है तो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है जो हॉस्पिटल्स में नहीं सेंटर्स में मिल रही है। मॉडरेट होने के लिए आपके लिए अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, केवल जब आपको ICU या वेंटिलेटर चाहिए तभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। प्रियंका, इस बीच हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊं। एक सवाल और आपसे, वो ये कि ये लगातार अध्यादेश की बात की जा रही है लेकिन मरीजों को जितना डॉक्टर को समझना है डॉक्टरों को उतना मरीजों को समझना है, लेकिन ये जो एक पुल होना चाहिए, एक जो ब्रिज होना चाहिए, उसको ना बन पाने के लिए जिम्मेदार आज के समय में वो पेशेंट के रिश्तेदार हैं जो वहाँ पर जाकर मैस मचा रहे हैं या फिर माहौल बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में विरोध तो वो कर रहे हैं लेकिन और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अस्पताल के तौर पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि लगातार खबरें आ रही हैं LNJP हॉस्पिटल से। जी बिल्कुल, LNJP अस्पताल की ही बात करें तो क्योंकि सबसे पहला अस्पताल था जिसको कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया था दिल्ली में, जो तमाम ज़्यादा केसेस थे, जो शुरुआती केसेस थे वो भी वहीं रहे। अब जमातियों की बात करें और अब जो नए केसेस आ रहे हैं वो भी वहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो नौबत तो बाउंसर्स रखने तक की आ गई थी प्रीति। तो ऐसे में फिलहाल जो अस्पताल प्रशासन है उनका कहना है कि हम सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किए हुए हैं, लोगों को लगातार बताते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड को एक्स्ट्रा तैनात किया जाता है कि अगर इस तरीके की कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट इस तरीके की कोई नौबत आ जाए तो ऐसे में डॉक्टर और नर्स को वहां से बाहर निकाला जा सके, लेकिन वाकई स्थिति डॉक्टरों के लिए दयनीय है। जी प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए, अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, कल ही सरकार अध्यादेश लाई है जो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के हक में है, जिस पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन आज हम तस्वीर देख रहे हैं LNJP हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स और उनके साथ जो स्वास्थ्य कर्मी है वो विरोध कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पा रही है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसी तरह विरोध होगा तो अध्यादेश को लेकर जो महत्वपूर्ण
पॉइंट्स हैं वो भी बताने की और जरूरत है, और बताने की जरूरत है कि सरकार आपके साथ है, आप काम कीजिए, क्योंकि विरोध करेंगे तो बाकी चीज़ें प्रभावित होंगी। देखिए, विरोध करने का एक तरीका, एक लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन सब अस्पतालों में है अपने, कोई घर अपने घर नहीं गया विरोध करते हुए। तो जाहिर तौर पर कल जो अध्यादेश जारी हुआ है इसको लागू कर दिया है सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से। धीरे धीरे डॉक्टरों का डर कम होगा, जैसे जैसे पब्लिक को ये जानकारी होगी कि यहाँ कड़ी सजा में सिर्फ जेल ही नहीं, उन्हें फाइन भी देने का प्रावधान है इस अध्यादेश के माध्यम से। अगर वो डॉक्टरों को परेशान करते हैं, अगर वो स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान करते हैं या कोरोना योद्धाओं को परेशान करते हैं, ऐसे में सरकार उन्हें जेल भी भेज सकती है, उन पर लाखों का जुर्माना भी लगा सकती है। ये बात एक दो दिन में सिंक इन जरूर करेगी प्रीति, और धीरे धीरे इन डॉक्टरों का दर्द दूर होगा जो 24 घंटे दे रहे हैं उन कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए, शायद जिनके लिए तमाम सेफ्टी किट्स की जरूरत होती है, जिसकी कमी भी भारत जैसे देश में है जो विकासशील देश माना जाता था। स्वास्थ्य के मामले में हमारे देश कई वेस्टर्न कंट्रीज हमसे आगे थे प्रीति, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस तरह से काबू पाया है, जिस तरह से हमने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की सरकार ने चिंता की है, अध्यादेश लेकर आए हैं, जाहिर तौर पर मुझे लगता है एक दो दिन में ये सब केसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये सांकेतिक विरोध है, आप कह रहे हैं कि वो काम पर मौजूद है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिल्ली की बात है, दूर दराज के इलाकों की बात नहीं है। दिल्ली में अध्यादेश आने के बाद भी अगर डॉक्टर्स विरोध करते हैं तो ये चिंता की बात है कि उनके भीतर ये कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि उनकी सुरक्षा की जा रही है या उसके लिए अध्यादेश आया गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा है, उनके परिवार वालों से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के परिवार वालों से यूपी के शामली में पूछताछ की है। मौलाना साद को शामली में फार्म हाउस में होने की जानकारी मिली थी, जिसी के तहत ये छापेमारी की गई है। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। सर, आज यहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या मामला? सर, क्या मामला, कुछ मिला? सर, कुछ बताएंगे क्या, किस तरीके को लेकर यहाँ छापेमारी की गई थी सर, और लगातार जो मौलाना साद नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मानते हैं सर? आज यहाँ मौलाना साद अंदर मिले हैं या क्या छानबीन की आपने? ब्रांच की टीम गिरफ्तार नहीं कर पाई सर,